सुजानपुर पुलिस की ओर से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक व्यक्ति को 70 बोतलें अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी नवदीप शर्मा ने बताया है कि पुलिस ने पुल नंबर 4 रेलवे फाटक के पास वह गश्त कर रही थी, नाका लगाया हुआ था और उन्हें सूचना मिली कि कोई व्यक्ति शराब बेच रहा है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उससे 70 बोतलें अवैध शराब बरामद की है। व्यक्ति की पहचान राकेश कुमार निवासी प्रेमनगर सुजानपुर के रूप में हुई है। हाँ जी सर, सुजानपुर जी 70 बोतल अवैध शराब जी पकड़ी गई, सर की मामला पूरा? एक कल सा DSA बलविंदर की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी प्रेमनगर मोहल्ला जोड़ा कि काफ़ी शराब के काफ़ी डेंसली उत्थे कंप्लेन सू आती रही है। उत्थे ड्यूरिंग पेट्रोलिंग है जोड़ा राकेश कुमार है ADS बंटू ये को 70 बोतल नजायज़ शराब बरामद हुई है। 71 नंबर FIR अंडर एक्साइज एक्ट असी ये खिलाफ़ रजिस्टर की है, अरैसट किया इन्हों अच्छ कोर्ट पेश किया।